जय हिंद साथियों, आज बात करने वाले त्रिपुरा फायर सर्विस फायरमैन एंड फायर सर्विस ड्राइवर की भर्ती के बारे में मैं हिंदी में आपको बताने वाला हूँ। जो अदर स्टेट में रहने वाले कैंडिडेट है वो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वीडियो हिंदी में बनाने के लिए, और उसमें बाहर वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं त्रिपुरा फायर सर्विस में। साथियों, आपको आज पूरा डिटेल्स में बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, त्रिपुरा फायर सर्विस में जो भर्ती निकला है उसमें सिर्फ त्रिपुरा का कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा भारत का किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ, फिर भी इसमें जो भर्ती निकला है ये सिर्फ त्रिपुरा का सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला है। त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट होता है और त्रिपुरा का 8 डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट के लिए ये भर्ती निकला है। बाहर से आप कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैं हिंदी में इसलिए वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि ये आपका काम में नहीं आएगा, सिर्फ त्रिपुरा का कैंडिडेट के लिए ये भर्ती निकला है। और एक चीज़ आपको बता देता हो, त्रिपुरा का जो TSR का भर्ती निकलता है ना, उसमें सिर्फ आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकता है। वो IR बटालियन होता है, इंडियन रिजर्व बटालियन, वो ऑल इंडिया लेवल का भर्ती होता है। और ये जो फायरमैन का वैकेंसी निकला है ये सिर्फ त्रिपुरा का कैंडिडेट के लिए निकला है। तो फिर मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने हिंदी में नहीं बनाया क्योंकि आपका काम का ये वीडियो नहीं है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है कौन त्रिपुरा फायर सर्विस में अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकते। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।